हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है देखकर सुनकर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रण मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, आपको याद है यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बेटे उनसे बोल रहे हैं, मैंने आपको पार्टी में एक लड़की से मिलवाया था, आपको वो याद है? यू रिमेंबर हर? यू रिमेंबर हर? हाँ यस, मुझे याद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी हर। आई वॉन्ट टू मैरी हर। मैं उससे प्यार करता हूँ और वह एक मुस्लिम है। आई लव हर एंड सी इज़ अ मुस्लिम। आई लव हर एंड सी इज़ अ मुस्लिम। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की वाइफ बोल रही है, शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती। मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ बॉय एंड गर्ल। मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ बॉय एंड गर्ल। यह उनके परिवारों के बारे में भी है। इट्स अबाउट देयर फैमिलीज टू। इट्स अबाउट देयर फैमिलीज टू। वह सिर्फ जय के साथ नहीं है। इट्स नॉट जस्ट जय, सी हैज़ टू बी विथ। इट्स नॉट जस्ट जय, सी हैज़ टू बी विथ। उसे हमारा भी हिस्सा बनना है। सी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ अस टू। सी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ अस टू। मैं किसी दूसरे धर्म की लड़की को हमारा हिस्सा नहीं बनने दूंगी। आई वॉन्ट लेट अ गर्ल फ्रॉम अनदर फेथ टू बी अ पार्ट ऑफ अस। आई वॉन्ट लेट अ गर्ल फ्रॉम अनदर फेथ टू बी अ पार्ट ऑफ अस। तुम उसके धर्म के बारे में क्या जानती हो? यहाँ पर अमिताभ बच्चन बोल अपनी वाइफ से, What do you know about her faith? What do you know about her faith? मेरा मतलब है, I mean, जहाँ तक मुझे पता है, as far as I know, आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा है। You have never read Quran. I mean, as far as I know, you have never read Quran. मुझे पता है कि हमारे धर्म अलग हैं। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, All I know is, our religions are different. All I know is, our religions are different. क्या मैं जान सकता हूँ कि उसके और हमारे बीच क्या अंतर है? Can I know that what's the difference between her and us? Can I know that what's the difference between her and us? आपका मतलब क्या है? यहाँ पर अमिताभ बच्चन की वाइफ बोल रहे हैं उनसे, What do you mean? What do you mean? हम मंदिरों में जाते हैं, वे मस्जिदों में जाते हैं। We go to temples, they go to mosques. We go to temples, they go to mosques. हम दिवाली मनाते हैं जबकि वे ईद मनाते हैं। We celebrate Diwali while they celebrate Eid. We celebrate Diwali while they celebrate Eid. तुम साड़ी पहनना पसंद करती हो। यहाँ पर अमिताभ बच्चन बोल रहे अपनी वाइफ से, तुम साड़ी पहनना पसंद करती हो लेकिन प्रिया नहीं करती। यू लाइक वियरिंग अ साड़ी बट प्रिया डजंट। यू लाइक वियरिंग अ साड़ी बट प्रिया डजंट। तुम दाल में तड़का लगाना पसंद नहीं करती लेकिन नवीन को तो दाल ही पसंद नहीं है, यानी कि दाल से ही नफरत है। यू डोंट लाइक टू टेम्पर दाल बट नवीन ही हेट्स दाल। यू डोंट लाइक टू टेम्पर दाल बट नवीन ही हेट्स दाल, यानी कि उसे तो दाल ही पसंद नहीं है। हम एक ही धर्म के हैं फिर हम इतने अलग क्यों हैं? यहाँ पर अमिताभ बच्चन बोले अपनी वाइफ से, वी आर ऑफ द सेम रिलीजन देन वाई आर वी सो डिफरेंट। वी आर ऑफ द सेम रिलीजन देन वाई आर वी सो डिफरेंट। मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश मत करें। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की वाइफ उनसे बोल रही हैं, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी विद योर वर्ड्स। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी विद योर वर्ड्स। ऐसा नहीं है लता, इट्स नॉट दैट लता। इट्स नॉट दैट लता। यह समझने वाली बात है, हम सभी अलग लोग हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वी आर डिफरेंट पीपल। यह समझने वाली बात है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हम सभी अलग लोग हैं। वी आर डिफरेंट पीपल। हमारे जीने का अपना तरीका है। वी हैव अवर ओन वे ऑफ लिविंग। वी हैव अवर ओन वे ऑफ लिविंग। हर धर्म का एक तरीका है। एवरी वे इज अ रिलीजन। एवरी वे इज अ रिलीजन। हर धर्म का एक तरीका है। नवीन, मैं, तुम और यास्मीन उसी के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। नवीन, मी, यू एंड यास्मीन आर लिविंग लिव्स फॉलोइंग दैट। आर लिविंग लिव्स फॉलोइंग दैट। कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। देर आर नो हिंदूज और मुस्लिम्स। देर आर नो हिंदूज और मुस्लिम्स। यहाँ सिर्फ लोग हैं। देर आर ओनली पीपल। देर आर ओनली पीपल। बस इतना समझ लीजिए कि तुम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो। यहाँ पर अमिताभ बच्चन से बोल रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट जस्ट बींग अगेंस्ट मुस्लिम्स। जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट जस्ट बींग अगेंस्ट मुस्लिम। यानी कि तुम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो, तुम जय के प्यार के खिलाफ भी हो रही हो। यू आर ऑल्सो बींग अगेंस्ट जयस लव। यू आर ऑल्सो बींग अगेंस्ट जयस लव। नेक्स्ट है, मैं मिस्टर विजय मलिक पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। यहाँ पर रितेश देशमुख अमिताभ बच्चन की पार्टी का कुछ वीडियो लेने गए हैं एक कंपनी में। तो बोल रहे हैं, आई एम मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मिस्टर विजय मलिक। आई एम मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मिस्टर विजय मलिक। और उस पर एक किताब भी प्रकाशित की जाएगी। एंड अ बुक विल बी पब्लिश्ड ऑन इट टू। एंड अ बुक विल बी पब्लिश्ड ऑन इट टू। आपकी कंपनी ने उनके जन्मदिन का आयोजन किया था। योर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड हिज बर्थडे।
योर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड हिज बर्थडे, क्या आप मुझे उस पार्टी के मेहमानों की सूची दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द गेस्ट लिस्ट ऑफ दैट पार्टी? कैन यू गिव मी द गेस्ट लिस्ट ऑफ दैट पार्टी? बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ यू, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ यू। पार्टी में चार खन्ना शामिल हुए थे। यहाँ पर रितेश देशमुख बोल रहे अपनी गर्लफ्रेंड से, फोर खन्ना हैड अटेंडेड द पार्टी, फोर खन्ना हैड अटेंडेड द पार्टी, लेकिन सभी जिस खन्ना को खोज रहे हैं वह उनमें से नहीं है। बट द खन्ना एवरी वन इज सर्चिंग फॉर इज नॉट अमंगस्ट देम, बट द खन्ना एवरी वन इज सर्चिंग फॉर इज नॉट अमंगस्ट देम। मतलब खन्ना किसी मेहमान के साथ पार्टी में आया। दैट मीन्स खन्ना केम टू द पार्टी अलॉन्ग विद सम गेस्ट, दैट मीन्स खन्ना केम टू द पार्टी अलॉन्ग विद सम गेस्ट। या हो सकता है खन्ना उसका असली नाम नहीं है, और मे बी यह हो सकता है खन्ना इज नॉट हिज रियल नेम आफ्टर ऑल, खन्ना इज नॉट हिज रियल नेम आफ्टर ऑल। ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई भी अपने असली नाम का इस्तेमाल क्यों करेगा? वाई वुड एनी वन यूज हिज रियल नेम फॉर सच एन ऑपरेशन, वाई वुड एनी वन यूज हिज रियल नेम फॉर सच एन ऑपरेशन। पूरब, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं रितेश देशमुख, पूरब हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम नहीं जानते कि मोहन पांडे जैसे लोग कितने खतरनाक हैं? डोंट यू नो हाउ डेंजरस पीपल लाइक मोहन पांडे आर, डोंट यू नो हाउ डेंजरस पीपल लाइक मोहन पांडे आर, वे तुम्हें खत्म कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दे विल फिनिश यू ऑफ एंड नो वन विल एवर कम टू नो, दे विल फिनिश यू ऑफ एंड नो वन विल एवर कम टू नो। वे तुमसे वैसे ही छुटकारा पा लेंगे जैसे उन्होंने खन्ना के साथ किया था, यानी खन्ना को उन्होंने मार दिया था। दे विल गेट रिड ऑफ यू जस्ट लाइक दे डिड विद खन्ना, दे विल गेट रिड ऑफ यू जस्ट लाइक दे डिड विद खन्ना। कृपया पूरब, अगर अपने लिए नहीं तो मेरी खातिर इसे रोक दो, प्लीज पूरब। इफ नॉट फॉर योर सेल्फ स्टॉप दिस फॉर माई सेक, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ स्टॉप दिस फॉर माई सेक। और इंडिया 24 कितना बेकार है, एंड व्हाट्स वर्स इज दैट इंडिया 24, एंड व्हाट्स वर्स इज दैट इंडिया 24। उस कमीने पांडे की प्रशंसा करते हुए चला जाता है, गोज ऑन प्रेजिंग दैट मॉन्स्टर पांडे, गोज ऑन प्रेजिंग दैट मॉन्स्टर पांडे। यानी कि मॉन्स्टर यानी कि कौन है? परेश रावल। परेश रावल एक यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, जिसके लिए रितेश देशमुख गर्लफ्रेंड उनको बोल रही है कि इंडिया 24 उन्हीं की तारीफ कर रहा है, जबकि वो बहुत ही कमीना आदमी है। मैं यह नहीं मान सकता, आई कॉन्ट बिलीव इट, आई कॉन्ट बिलीव इट। हम फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राजपाल यादव एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर, तो बोल रहे हैं हम फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसमें माल्या द्वारा कर्ज कर्नाटक किया जा रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी द डेड स्टेयरिंग माल्या, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवी द डेड स्टेयरिंग माल्या। हम उस कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं जो धीरे धीरे मुझे और आपको डुबा रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेड दैट स्लोली ड्राउनिंग मी एंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेड दैट स्लोली ड्राउनिंग मी एंड यू। चारों ओर देखो मेरे दोस्तों, लुक अराउंड माई फ्रेंड्स, लुक अराउंड माई फ्रेंड्स। आपको महसूस होगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमारी फाइनेंसर बन गई हैं। यू विल रियलाइज दैट क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैव बिकम अवर फाइनेंसियर्स, यू विल रियलाइज दैट क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैव बिकम अवर फाइनेंसियर्स। और हम ऋणी हो गए हैं, ऋणी यानी कर्जदार, एंड वी हैव बिकम डेटर्स, एंड वी हैव बिकम डेटर्स। सभी अपने स्मार्ट मार्केटिंग के लिए शुक्रगुजार हैं, ऑल थैंक्स टू देयर स्मार्ट मार्केटिंग, ऑल थैंक्स टू देयर स्मार्ट मार्केटिंग। और ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां कुछ ऋणों की वसूली के लिए अंडरवर्ल्ड को काम पर रख रही हैं। एंड दैट्स नॉट ऑल, सम ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग अंडरवर्ल्ड टू रिकवर डेट्स, एंड दैट्स नॉट ऑल, सम ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग अंडरवर्ल्ड टू रिकवर डेट्स। आपको कभी पता नहीं चलेगा कब AK-47 लेकर जाने वाले गुंडे आपके सामने आएंगे और आपको मार देंगे। यू विल नेवर नो व्हेन AK-47 कैरिंग गून विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड पॉप यू ऑफ, यू विल नेवर नो व्हेन AK-47 कैरिंग गून विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड पॉप यू ऑफ। यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा AK-47 लेकर आएंगे और आपको मार के चले जाएंगे। नेक्स्ट है, हमारे विशेष शो को देखते रहें, कर्ज जो आपको कंगाल बना देगा। कीप वॉचिंग अवर स्पेशल शो द डेट्स दैट विल रेंडर यू पॉपर्स, कीप वॉचिंग अवर स्पेशल शो द डेट्स दैट विल रेंडर यू पॉपर्स। मैं जल्द ही दो और चैनल लॉन्च करने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बेटे राजपाल से बोल रहे हैं, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च टू मोर चैनल सून, आई एम प्लानिंग टू लॉन्च टू मोर चैनल सून। उन्हें मनोरंजन के लिए डेडिकेट किया जाएगा, दे विल बी डेडिकेटेड टू एंटरटेनमेंट, दे विल बी डेडिकेटेड टू एंटरटेनमेंट। मिस्टर पांडे,
भारत 24 को एक विशेष इंटरव्यू देना चाहते हैं। मिस्टर पांडे वांट्स टू गिव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू इंडिया 24। मिस्टर पांडे वांट्स टू गिव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू इंडिया 24। पूरब को भेज दो। पूरब यानी रितेश देशमुख। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बेटे बोल रहे हैं अपने कॉलीग से, सेंड पूरब, सेंड पूरब। मिस्टर पांडे आप 30 साल से राजनीति में। यहाँ पर रितेश देशमुख परेश रावल का इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी कि मोहन पांडे का, बोल रहे हैं मिस्टर पांडे यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 30 ईयर्स। मिस्टर पांडे यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 30 ईयर्स। नहीं, राजनीति एक अयोग्य और गंदा शब्द है। नो, पॉलिटिक्स इज एन इनैप्ट एंड डर्टी वर्ड। नो, पॉलिटिक्स इज एन इनैप्ट एंड डर्टी वर्ड। राष्ट्र की सेवा कहना बेहतर होगा, मैं जनता का सेवक हूँ। सर्विंग द नेशन वुड बी बेटर, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। सर्विंग द नेशन वुड बी बेटर, पब्लिक सर्वेंट। अगर हालात ऐसे ही चलते हैं तो आप, इफ थिंग्स गो जस्ट लाइक दिस यू माइट बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आपके पास देश के लिए क्या नई योजनाएं हैं? व्हाट न्यू प्लान्स डू यू हैव फॉर द कंट्री? व्हाट न्यू प्लान्स डू यू हैव फॉर द कंट्री? पूरब, सबसे पहले हम उन लड़ाइयों को जीतेंगे जो हम अभी लड़ रहे हैं। पूरब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल विन द बैटल्स वी आर फाइटिंग राइट नाउ। पूरब, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, वी विल विन द बैटल्स वी आर फाइटिंग राइट नाउ। कौन सी लड़ाई, विच बैटल? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भ्रष्टाचार, गरीबी और गंदी राजनीति के खिलाफ हमारी लड़ाई। बैटल अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल्सो आवर बैटल अगेंस्ट करप्शन पॉवर्टी एंड डर्टी पॉलिटिक्स। बैटल अगेंस्ट टेररिज्म एंड ऑल्सो आवर बैटल अगेंस्ट करप्शन पॉवर्टी एंड डर्टी पॉलिटिक्स। मिस्टर पांडे, हमने हर राजनेता से पहले ये सब सुने हैं। मिस्टर पांडे वी हैव हर्ड दीज वर्ड्स बिफोर एवरी पॉलिटिशियन। मिस्टर पांडे वी हैव हर्ड दीज वर्ड्स बिफोर एवरी पॉलिटिशियंस। तो फ्रेंड्स, ये थे रण मूवीज़ के कुछ आगे सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।